सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने ICICI के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने अदर अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं IMPS के थ्रू। IMPS से जैसे करते हैं वो 10 सेकंड के अंदर में ही चला जाता है, 10 सेकंड या 1 सेकंड जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरे के अकाउंट में 10 सेकंड के अंदर ही चला जाता है। तो कैसे करना है तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग। तो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आपको पेमेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, फिर फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, जिसे फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे। थोड़ा हम ऊपर ले चलते हैं। और आप अगर मैं ICICI का भेजना चाहते हैं तो ICICI अकाउंट में भेजना चाहते हैं दूसरे के अकाउंट में तो ये यहाँ पर जाइएगा, यहाँ ट्रांसफ़र न्यू पर है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और अगर मैं पंजाब SBI स्टेट उसमें अदर में भेजना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ अदर लिखा भी है यहाँ, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे यहाँ ट्रांसफ़र न्यू पर क्लिक करना है तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो पहले तो आप बेनिफिशरी सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बेनिफिशरी पहले सेट कर लीजिएगा तभी आप भेज पाएंगे। तो हमारा ऑलरेडी बेनिफिशरी सेट है और हमारा नेट भी स्लो है तो थोड़ा वेट करते हैं। और तो देखिए हम IMPS के थ्रू बता रहे हैं, RTGS और NFT के थ्रू वीडियो बनाए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी हमारा IMPS पर सेलेक्ट है, इस पर देख लीजिएगा आप देखिए यहाँ IMPS है, यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो आपको यहाँ अपना इस पर क्लिक करना है सिलेक्ट, तो जिस भी अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं उनका अकाउंट नंबर। तो चलिए हम कुमार के नाम से एक अकाउंट है हमारा ये, तो इस पर हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ आपको अपना अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट आपको भेजना है दूसरे के अकाउंट में तो आपको यहाँ अमाउंट डालना है। तो चलिए हम 100 रुपये वाले डाल दिए हैं। और यहाँ पर आपको रिमार्क देना है, रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम ही लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं। और नेक्स्ट करना है आपको, नेक्स्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके जो डेबिट कार्ड के पीछे रहता है ABCDE ऐसे ही कुछ नंबर रहता है, 20, 50, 80, 75, 45 ऐसे ही नंबर रहता है। तो आप देखिए हमारा मांग रहा है ऐप के नीचे जो नंबर रहता है वो हमको डालना है, के नीचे जो अंक का नंबर देना है ओ के नीचे, तो हम डाल लेंगे। तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं, तो आप लोग भी अपना डाल लीजिएगा। तो देखिए हमने अपना डाल लिए हैं और इसको हम हाइड करते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है, आपके डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर रहता है वही डालना पड़ता है। तो चलिए हम सबमिट करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो गया और हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। तो हम जिनके अकाउंट में भेजे हैं तो हमारा ही अकाउंट है, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसमें हम भेजे हैं अभी और आप समय भी देख सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं और अब देखिए हमने 100 रुपये भेजे और ये तुरंत IMPS से तुरंत ट्रांसफ़र
हो गया था और हमारे दूसरे अकाउंट में चला आया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी IMPS का मज़ा उठा सकते हैं। आप अपने दोस्त यार किसी के भी अकाउंट में 10 सेकंड के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आल बैंक के बारे में जानकारी आप पाते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।